तो आज जो टॉप मीटलेस प्रोटीन सोर्सेज हैं, इसमें टॉप नंबर पर है पीनट बटर है। पीनट बटर के बारे में मैंने वीडियो अपलोड चैनल पर की हुई, अगर आप चाहते हैं वो देखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ आप चैनल पर देख सकते हैं। पीनट बटर के रिलेटेड पीनट बटर के दो ऑप्शन हैं, या तो आप घर में बना लें, अगर आप पीनट बटर बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 100% प्योर पीनट बटर लेना है, जिसके अंदर सिर्फ रोस्टेड जो पीनट्स हैं उसका वो बटर बनाओ। आपने कोई भी उसके अंदर एक्स्ट्रा जो ऑयल या शुगर इंक्लूड होगी तो आपने वो पीनट बटर बिल्कुल परचेज़ नहीं करना, चाहे वो किसी भी हाई लेवल की कंपनी क्यों ना हो। तो पीनट बटर को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून के बदले में 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है ग्रीक योगर्ट, अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है वो 10 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, यानी अगर 100 ग्राम आप योगर्ट के इस्तेमाल ये ग्रीक का करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10 ग्राम आपको प्रोटीन इसमें मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं ओट्स। देखें, ओट्स का जो बनाने का तरीका है ये आपको YouTube पर भी काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि ओट्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, इसको अलावा इसको आप दूध में भी बना सकते हैं, दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। सॉरी, अगर आप पानी में बनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको फैट लॉस के रिलेटेड होगा, अगर आप दूध में बनाते हैं विदाउट शुगर तो फिर आपको ये मसल बिल्डिंग में या वेट गेन के लिहाज से भी इसका फ़ायदा काफ़ी होगा। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप 1 कप ओट्स का इस्तेमाल करते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन आपको ओट्स की सूरत में मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं बीन्स, किडनी बीन्स वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, बाकी बीन्स कोई भी हैं उसके अंदर जो काफ़ी प्रोटीन सब में मौजूद होता है। और किडनी बीन्स अगर आप 180 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। कंडीशंस क्या होती हैं, प्रोटीन की नीचे ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें जो किडनी बीन्स हैं इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मौजूद होता है। तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अगर 100 ग्राम डेली इस्तेमाल करें तो इसके अंदर काफ़ी आपको प्रोटीन की सूरत में आपको मिल जाएगा। तो आप 100 ग्राम इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी प्रोटीन इंशाल्लाह इसमें मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एग्स है, एग्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो अगर आप एग्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई शक नहीं कि प्रोटीन की मिकदार आप सही तरीके से गेन ना कर सकें, वहाँ से टेक ना कर सकें। तो एग्स को भी आपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। इसके बाद आते हैं नट्स। देखें, ऑल जितने किस्म के नट्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आलमंड वालनट्स है, इसके अलावा मूंगफली है, यानी उसके अलावा काफ़ी नट्स हैं जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अगर आप एक मुट्ठी भर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट तकरीबन 6 to 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्रोकली, ये वेजिटेबल है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रीन वेजिटेबल का तो आपको ऑलमोस्ट 180 ग्राम की बदौलत आपको 5 ग्राम के करीब ऑलमोस्ट आई थिंक आपको 5 to almost 7 or 8% आपको इसमें 8% कह रहा हूँ 8 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, अगर सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स का अगर आप हैंडफुल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो सीड्स भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें आप। इसके बाद आता है स्पिनच, स्पिनच अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी आपको प्रोटीन की मिकदार मिल सकती है। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, मैं सॉरी आपको एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर प्रोटीन को तो साइड पर रखें, इसके अलावा जो इसके अंदर मिनरल विटामिन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है आपकी बॉडी के लिए। और बाकी जो नट्स के बारे में मैंने बताया उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने की पावर होती है। तो इसके अलावा एग वाइट है, वो भी बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है, आप उसको भी अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।